नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि वक्त के साथ जख्म भर जाते, इतना भी बड़ा जख्म क्यों ना हो, वक्त दीजिए धीरे धीरे वो भर जाते। क्योंकि कुछ और चीजें मिल जाती है आपको, कुछ और लोग मिल जाते हैं और आप उस जख्म को भर जाते। पर हो सकता है ये सच ना हो, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो ताउम्र आप यादों में जो जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं, जिंदगी भर चुनते हैं, आप चाहकर भी नहीं भुला सकते, आप हमें चेहरे से ना। यही कुछ हुआ है डेविड मिलर के साथ। डेविड मिलर से एक इंटरव्यू में पूछा गया उससे फाइनल मुकाबले के बारे में, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था भारत और साउथ अफ्रीका, जहां मुकाबला लगभग लगभग खत्म हो चुका था। साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर खड़ी थी। डेविड मिलर के हाथ में कुछ जिम्मेदारी थी कि वो दरवाजा खोले, लेकिन डेविड मिलर को दरवाजा नहीं खोल पाए और साउथ अफ्रीका को चैंपियन नहीं बना पाए और इंडिया बना चैंपियन। लेकिन डेविड मिलर को आज भी वो बात चुभती है और शायद हमेशा चुभती है, क्योंकि उनके पास एक आसान सा मौका था कि अपने देश को चैंपियन बनाए, लेकिन वो कैच सूर्य कुमार यादव का, हार्दिक पांड्या की गेंद को उनको हमेशा याद, वो पवेलियन में ज्यादा वो जितने कदम वो चले होंगे उस दिन में मैदान से लेकर पवेलियन तक वो उनको याद रहे, कभी नहीं भूल पाए, जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता रहा होगा डेविड मिलर। अब जब भी उनसे पूछा जाता है उस मुकाबले के बारे में, वो कहते हैं जो होना था वो तो हो गया, लेकिन भूल तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो दिन हमारा था, वो दिन हमारे टीम का था, हमारे देश का था, और मैंने अपने देश को नहीं खुश कर पाया, अपने टीम मेंबर्स को नहीं खुश कर पाया, खुद को नहीं खुश कर पाया, क्योंकि वो आसान सा मुकाबला था जहां पर साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था और मैं वहां पर अंत तक रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शायद डेविड मिलर को आगे की बात चुभती है, क्या शायद तब तक चुभे जब तक साउथ अफ्रीका एक बार फिर से चैंपियन नहीं बन पाती, खासकर T20 या ODI टेस्ट में तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की, वहां पर तो WTC में साउथ अफ्रीका का खेलना मुश्किल है, लेकिन ODI और T20 में वो ये बात आवा कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली, उसमें साउथ अफ्रीका जरूर कोशिश करेगी कि वहां पर मुकाबला जीत कर उस गम को भुलाए, डेविड मिलर वहां अच्छा प्रदर्शन करके उस गम को भुला देंगे। फिलहाल तो साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से भी मुकाबला हार जाए, सीरीज हार जा रही है अफगानिस्तान से, तो ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के लिए दुख की घड़ी और बढ़ती जाए। आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया, उम्मीद थी कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर आ सकता है आकाश दीप या मोहम्मद सिराज की जगह पर रोहित शर्मा ने कहा हम सेम टीम के साथ जाएंगे, वही टीम जिसने हमें पहले मुकाबले में जीत दिलाई। तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी।